हाय फ्रेंड्स, सरकारी जॉब स्टडी में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर कुमार आप सभी को चार्ट ऑफ प्रोनाउंस के बारे में बताने जा रहा हूं सेंटेंस के माध्यम से। मैंने पिछले वीडियो में चार्ट ऑफ प्रोनाउंस के बारे में बताया था, मैं अब उसी चार्ट ऑफ प्रोनाउंस के माध्यम से मैं इन वाक्यों को, इन ट्रांसलेशन को भी आपको दिखाता हूँ कितनी आसान तरीके से इसको आप बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि देयर आर फोर सेंटेंसेस हियर। अब आपको वन बाय वन करके इसको हम ट्रांसलेशन के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं अपना कार्य खुद कर सकता हूं। मैंने आपको पहले बताया था आई माई मी को किस तरह से कन्वर्ट किया था, आई माई मी यू योर 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 सेल्फ, आई माई मी माई सेल्फ, इस तरह से मैंने आपको चार्ट ऑफ प्रोनाउंस से बताया था। अब देखिए इसको कन्वर्ट कैसे करना है। आप जैसा कि आप जानते हैं मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, जिसका ट्रांसलेशन भी मैंने करवाया था, स्ट्रक्चर के माध्यम से करवाया था। अगर आपके दिमाग में वो स्ट्रक्चर्स है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको एक बार बहुत हल्के तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। ये आपका अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी वन प्लस नॉट नेगेटिव हो गया। अगर इसको अफर्मेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो आपको इस तरह से बनाना है, देखिए सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। आई रिपीट यू वंस अगेन माय गाइस कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। सी, सबसे पहले रूल के मुताबिक हमें सब्जेक्ट लेना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। अब देखिए आई के बाद क्या लिखा हुआ है, कैन, तो हम यहाँ पे कैन लिखते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब इसमें वर्ब ढूंढना है, वर्ब कहाँ है, सत्ता के पहले, मींस करना, करना इंग्लिश क्या होती है, डू, डू, तो ये आपका हो गया डू। क्या करना, अपना कार्य। मैं आपको बताता हूं अपने के लिए क्या आएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अपने के लिए माई, आई कैन डू माई वर्क, अपना कार्य। अब आप उस कार्य को कैसे कर सकते हैं, खुद, तो खुद के लिए मैं आपको लिखवा चुका हूं माई सेल्फ। यहां कहने का मतलब है कि आई को माई में और खुद के लिए माई सेल्फ में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आई की जगह आई यहां लगा दिया और आपने यहां आवर जोड़ दिया, नो इट्स रॉन्ग, इट विल बी रॉन्ग। आपको अकॉर्डिंग टू द चार्ट ऑफ प्रोनाउंस के माध्यम से इसको आप अच्छे से सीख सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह अपना भोजन खुद बना सकता है। अब आपको देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका कैन, आपने यहाँ पे कैन यूज किया, उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें वर्ब कहाँ है, बनाना, बनाने इंग्लिश क्या होती है, मेक। अब आप सोच, कुछ लोग, नए लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने वर्ब कैसे यहां से ले लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कैसे प्रयोग किया। ध्यान रहे माय डियर फ्रेंड्स कि सत्ता के पहले जो शब्द लिखा होगा वही आपकी मेन वर्ब होगी। तो सत्ता के पहले क्या शब्द लिखा होगा, बना, मींस बनाना, तो बनाने इंग्लिश क्या होती है, मेक। क्या बनाओगे, अपना भोजन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो अपना भोजन इंग्लिश क्या होती है, तो ही को किसमें कन्वर्ट करते हैं, अपने के लिए, देख सकते हैं आप, ही को अपने के लिए हिज में, ही कैन मेक हिज, क्या बनाना है, भोजन, ही कैन मेक हिज फूड, परंतु कैसे बनाएंगे, खुद बनाएंगे, तो खुद के लिए फिर देखिए ही हिज हिम हिमसेल्फ, ये खुद वाली कैटेगरी में है, तो यहां आएगा आपको हिम सेल्फ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस दे चलते हैं, मोहन अपनी परीक्षा खुद पास कर सकता है। सब्जेक्ट में क्या है, मोहन, ये आपका मोहन सब्जेक्ट हो गया। अब बचा कैन यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब को ढूंढना है, तो वर्ब क्या है, सत्ता के पहले, पास करना इंग्लिश क्या होती है, पास। यहां पास करने का मतलब उत्तीर्ण होना, परीक्षा में जो पास होते हैं उसको बोलते हैं उत्तीर्ण होना, तो यहाँ पे पास करने इंग्लिश होती है, उत्तीर्ण होने इंग्लिश होती है पास। अब पास तो करोगे, परंतु कैसे पास करोगे, अपनी परीक्षा में, किसमें पास करोगे, अपनी परीक्षा में, तो इन हिज एग्जाम, क्योंकि यहां पर मोहन को अगर हम हटाकर ही कर देते तो यहाँ पे हिज बन जाता, परंतु हमने यहाँ पे उनको नाम रख दिया है, तो
तो उसकी जगह पर भी हम इसका ही प्रयोग करेंगे. मोहम्मद कैन पास इन हिज एग्जाम्स, कैसे पास करेंगे? खुद. अब खुद वर्ड आ गया तो ही के लिए, खुद के लिए क्या बनेगा? हिमसेल्फ. फ्रेंड्स आप इसको देख सकते हैं, सेंटेंस बिल्कुल सिस्टमैटिकली मैं कर रहा हूं, बिल्कुल ब्योर्ड नहीं कर रहा हूं. बिना स्ट्रक्चर के आप सेंटेंस को नहीं कन्वर्ट कर सकते. बार बार आप प्रयास करेंगे बिना स्ट्रक्चर के, बिना फॉर्मूले के, तो आप खुद देखेंगे कि गलत हो रहा है. तो जब आप सीढ़ियों से के माध्यम से छत पर जाते हैं, उसी प्रकार जब किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए स्ट्रक्चर का सहारा लिया जाता है. तो ये जो स्ट्रक्चर का सहारा लिया गया है ये आपके सामने है. आगे देखते हैं, हम अपने बड़ों की इज्जत खुद कर सकते हैं. अब इसमें किसकी इज्जत करनी है? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? वी. ये आपका सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद हम क्या लेंगे? कैन. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब कहाँ है? करना. सकता के पहले शब्द लिखा हुआ है करना, करने उसको आती है डू. अब आप एक चीज और बताना चाहता हूं, करना देखिए इज्जत करना, सच बताऊं तो आपको ये देखना पड़ेगा ये दोनों वर्ड एक ही है. इज्जत करना, ये नहीं कि करना इज्जत अलग हो गया और करना अलग हो गया. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इनके लिए एक ही वर्ड यूज किए जाते हैं. जैसे कि इज्जत करने में क्या होती है? रिस्पेक्ट. ही कैन रिस्पेक्ट, परंतु किसकी रिस्पेक्ट करनी है? आपको अपने बड़ों की. यही आपका ऑब्जेक्ट हो गया. तो अपने के लिए फिर बात आ गई, वी का अपने के लिए क्या बनेगा? अवर एल्डर्स. वी कैन रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स. उसके बाद पर कैसे इज्जत करेंगे, कौन करेगा? यहां पे देखो वर्ड बचा है खुद. खुद करेंगे तो खुद के लिए क्या आ गया? अपने के लिए वी का खुद के लिए बनेगा अवर सेल्स. अब आप सोच रहे हैं यहां पे वी ए ई वी ई एस का प्रयोग क्यों किया गया है? बिकॉज ये आपका प्लूरल नाउन्स है, इसलिए आप यहां पे प्लूरल यूज किया गया है वी ई एस का. अगर आप एक होते तो सेल्फ लगता, जैसे आप बोलते ना मेरी सेल्फी लो, तो आप अपने सेल्फ का यूज करते हैं. लेकिन जब एक से अधिक लोग होते हैं वहां पर हम प्लूरल शब्दों का प्रयोग करते हैं. ठीक है, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है. एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल द सेंटेंसेस वेरी इजीली. एंड आई गिव यू गारंटी दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न ट्रांसलेशन, टू स्पीक बेटर इंग्लिश, बिकॉज देयर इज अ ग्रेट प्रोवर्ब इन इंग्लिश, no one can arrest the speed of your study without your failure. means कहने का मतलब है जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे तब तक आप कोई नहीं आपको रोक सकता. श्री पीआर सरकार ने कहा है कि no one can arrest the speed of your study if you are determined. अगर आप संकल्पित हैं, अगर मन में सीखने की इच्छा है, ललक है, तो निश्चित रूप से आपसे सीख पाएंगे. my dear friends, no one can track you, no one can stop you the speed of your study. So please don't delay, join today. And अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ना शेयर किया है, ना लाइक किया है, तो उसको फोन उठाएं, तुरंत सब्सक्राइब करें. नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी और पूरी उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखेंगे. थैंक यू.